मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास टू का जो कि वाइवा करियर इंग्लिश है उसका लेसन नंबर 12 सेंट फ्रांसिस एंड द वर्ल्ड इसका रीडिंग लगाया था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम लोग सेक्शन ए कम्प्रीहेंशन को करते हैं, तो ये देखेंगे क्या है कम्प्रीहेंशन में। A1, A2, A3 तीन पार्ट में है। इसमें A1 है, क्या कहा जा रहा है, सर्कल ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली दो ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम लोग सर्कल करेंगे। तो यहाँ देखें क्या है, वेयर डिड सेंट फ्रांसिस लिव, सेंट फ्रांसिस कहाँ रहते थे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सेंट फ्रांसिस लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन असीसी इन इटली। इटली में एक छोटा सा शहर है असीसी, वहां सेंट फ्रांसिस रहते थे। तो इसका आंसर कौन होगा, ए होगा। तो हम ए को सर्कल कर देंगे, सर्कल में घेरा लगा देना, घेरा लगा देंगे। उसके बाद सेकंड है, द वल्फ ट्रबल्ड द विलेजर्स ऑफ डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम। वल्फ गांव वाले को लंबे समय से परेशानी में डाल रहा था, परेशान कर रहा था। कौन से गांव वाले को, यहाँ दो ऑप्शन है, असीसी गुबियो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुबियो के लोग जो थे, द विलेजर ऑफ गुबियो वाज ट्रबल्ड, वर ट्रबल्ड इन ट्रबल्ड विद वर्फ सेवरेज वर्फ, जंगली भेड़िया की वजह से वो गुबियो के लोग ट्रबल में थे। तो इसमें आंसर होगा आपका गुबियो, तो हम इसे गुबियो को सर्कल कर देंगे। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है, सेंट फ्रांसिस आस्क द विलेजर टू गिव सम डैश टू द वर्ल्ड एवरी डे। सेंट फ्रांसिस ने गांव वालों से कहा कि कुछ भेड़िए को रोज कुछ देना है, क्या देना है। तो इसमें दो ऑप्शन आपके लिए, फूड एडवाइस, भोजन देने के लिए कहा था सेंट असीसी, या एडवाइस करने के लिए, तो भोजन देने के लिए, फूड के लिए कहा था। तो हम ए को सर्कल करेंगे, ये करेक्ट है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। ये आपका ए वन है। अब हम लोग ए टू को देखते हैं। ए टू में क्या है, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। देखिए ए टू है, राइट टी ट्रू और एफ फॉल्स इन द बॉक्सेस, मतलब ये कहा जा रहा है कि ट्रू के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। जो आपको बॉक्स दिया हुआ स्टेटमेंट के सामने, उस वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे और अगर फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेंट फ्रांसिस वॉज द सन ऑफ ए फार्मर। सेंट फ्रांसिस एक किसान के लड़का थे, क्या ये सही है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सेंट फ्रांसिस वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट, वो एक व्यापारी के लड़का थे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो एक किसान के लड़का थे, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो हम क्या लिखेंगे, मीन्स ये फॉल्स है, तो हम इसमें एफ लिखेंगे। उसके बाद सेकंड है, सेंट फ्रांसिस टुक ए नाइफ एंड एंड एक्स एंड ए स्टिक एंड वेंट टू किल द वर्ल्ड। सेंट फ्रांसिस टुक ए नाइफ एंड एक्स एंड ए स्टिक एंड वेंट टू किल द वर्ल्ड। क्या कहा जा रहा है, सेंट फ्रांसिस ने एक चाकू, एक कुल्हारी और एक छड़ी ली और जंगल की तरफ गए, किस लिए, भेड़िया को मारने के लिए। तो क्या ये सही है, ये भी गलत है, क्योंकि वो क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट फ्रांसिस डिड नॉट टेक ए नाइफ एंड एक्स एंड ए स्टिक एंड वेंट टू फॉरेस्ट। सेंट फ्रांसिस अकेले ही, न तो कोई चाकू लिए, न तो कुल्हारी लिया, न तो कोई छड़ी ली, बल्कि अकेले ऐसे खाली हाथ चले गए थे, क्योंकि उनको भेड़िया को मारना नहीं था, भेड़िये को समझाना था। तो ये भी क्या है, गलत है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। थर्ड है, द क्रूएल वर्फ टर्न्ड इनटू ए काइंड एनिमल इन द एंड। आखिर में वो क्रूएल वर्फ जालिम भेड़िया एक रहमदिल,
दयालु जानवर बन गया। आखिर में वो एक क्रूअल जालिम भेड़िया एक रहमदिल एक दयालु जानवर बन गया। कि ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि सेंट फ्रांसिस हैज चेंज द क्रूअल वर्ल्ड इन ए काइंड एनिमल विद लव एंड काइंडनेस। तो ये क्या है, ये सही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ट्रू मीन्स मतलब हम टी लिखेंगे ट्रू के लिए। ये आपका ए टू है। अब हम लोग ए थ्री को देखते हैं। अब ये देखिए ए थ्री है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लेसन। ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इसको वर्ड्स और फ्रेज से जो कि लेसन में आपको दिया हुआ है उससे फिल करना है। देखिए क्या है, ए है सेंट फ्रांसिस लुक्ड आफ्टर। सेंट फ्रांसिस देखभाल करते थे किसका, हम लोगों ने पढ़ा है सेंट फ्रांसिस लुक आफ्टर द सिक। हम लोगों ने पढ़ा है यूपीएस नंबर 88 में, पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे, पहले पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस ही लुक्ड आफ्टर द सिक। यहाँ क्या होगा, लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल। यहाँ क्या हो जाएगा, द पुअर पीपल। ठीक है, ये आपका फिल हुआ फर्स्ट ब्लैंक्स में द सिक एंड सेकेंड में द पुअर पीपल। आपका सेंटेंस फर्स्ट नंबर का सेंटेंस हुआ सेंट फ्रांसिस लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल। सेकेंड है द वल्फ किल्ड द भेड़िया, मार दिया करता था क्या, किसको, द वल्फ किल्ड द हेंस डॉग्स एंड द शीप एंड द शीप ऑफ द विलेजर्स। VILLAGERS विलेजर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड है द वल्फ किल्ड द एनिमल बिकॉज इट वॉज, भेड़िया जानवर को क्यों मार दिया करता था, क्योंकि वो भूखा था। क्या होगा, द वल्फ किल्ड द एनिमल बिकॉज इट वॉज हंग्री। भेड़िया जानवर को मार दिया करता था क्योंकि ये भूखा था। सेंट फ्रांसिस स्पोक द वल्फ, सेंट फ्रांसिस ने भेड़िए से कहा, भेड़िए से बात की कैसे, एंग्रीली गुस्से से या प्यार से। हम लोगों ने पढ़ा सेंट फ्रांसिस स्पोक द वल्फ लविंगली, प्यार से। तो इसमें क्या फील होगा, लविंगली। आपका पैराग्राफ फोर्थ में देखेंगे उसमें आपको ये सेंटेंस मिल जाएगा, ही स्पोक लविंगली टू इट, ही मींस सेंट फ्रांसिस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंट फ्रांसिस स्पोक द वल्फ लविंगली, सेंट फ्रांसिस ने भेड़िए से प्यार से बातें की। इन द एंड द विलेजर, आखिर में गांव वाले क्या करते, गांव वाले ने क्या किया, द इन द एंड द विलेजर लव्ड द वल्फ, लव्ड द वल्फ। आखिर में गांव वाले भेड़िए से क्या करने लगे, प्यार करने लगे एंड प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेला करते थे। आगे और भी जोड़ सकते हैं, एंड दे गिव
फूड टू ईट और गांव वाले क्या करते थे, उसे खाने को दिया करते थे एंड गिव फूड टू ईट एवरी डे, हर रोज। ठीक है, इन द एंड द विलेजर, आखिर में गांव वाले लव द वर्ल्ड, ढेरी से प्यार करने लगे, प्यार करते थे एंड प्लेड विद हिम, और उसे उसके साथ खेला करते थे एंड गिव फूड टू ईट एवरी डे, और उसे रोजाना खाने को दिया करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है और मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।